स्लेटेड वायर के। दोस्तों नमस्कार, टोयोटा जेट 810 इसके बारे में अभी थोड़ा ये ग्राहक जी हैं बताएंगे कुछ। इसका सरेटेड वायर, लीच पट्टी, सेंसर, लीनो फ्रेम, ये टोयोटा से संबंधित जितनी भी आइटम है मशीन का पूरे के बारे में जानकारी देंगे। हाँ, क्या क्या होता है बताना। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपर। ये ड्रॉपर है दोस्तों। ये क्या करता है, जब वार्प होता है, वार्प होने में जो भी धागा टूटेगा, यदि ये स्लेटेड वायर से टच में संपर्क में आता तो यहाँ बत्ती ये जल जाती ये है। ये सेंसर है जो जल रही है लाइन। इससे ये पता चल जाता हमारे को कि इस लाइन का मैंने वार्प हुआ और ये धागा टूटा हुआ है। फिर उसी को जोड़ करके एक धागे में एक ही ड्रॉपर भरा जाता है इसमें से। अच्छा, एक धागे में एक ड्रॉपर, एक ही ड्रॉपर रहता बस, है ना, वही सेंस करता है। अच्छा, यदि डबल धागा हो जाएगा तो फिर वही डबल बनना चालू हो जाता है। तो कितने एक ये इसको सरेटेड वायर बोलते हैं, स्लेटेड वायर बोलते हैं इसको। अच्छा, एक ड्रॉपर हो गया, स्लेटेड वायर हो गया, ये इसका सेंसर हो गया, ये सेंसर हो गया। हाँ, जब धागा एक में कितने ये रहता होगा, ये तो धागे के ऊपर है ना, पूरा धागे के हिसाब से ही काउंटिंग करके भरी जाती है इसमें। ये क्या होता है, कौन, ये लीज पट्टी। अच्छा, इसका काम क्या रहता है? इसका ये है कि जो दोनों बीचों में ये ड्रॉपर पड़ा हुआ है तो यहाँ से उस वाले में टच ना हो और यहाँ टच ना हो, इस दोनों को रोक के ऐसे पकड़ करके रोके, तो जब ये ऐसे चलेगा रनिंग करेगा तो इसको हिलने ज़्यादा नहीं देता, बीच ही सेंटर में हिला के रखता है। अच्छा, केवल ये ड्रॉपर को पकड़ के रखता है ताकि उधर इधर ना आए, इधर तो बीच में इसको सेंटर में बना के रखता है, सेंटर बना के रखता है ना। सेंसर का काम क्या रहता है? ये लाइट क्यों जल रही है अभी? ये लाइट वार्प होने पे ही ये लाइट जलती है। अच्छा, जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं ये अभी वार्प का धागा टूटा हुआ है, अभी क्या ये स्लेटेड वायर में पूरे ड्रॉपर चिपके हुए हैं नीचे से, जिस वजह से ये लाइट जल रही है, लाइट जल रही है इसका। ओके ओके। और इसका सेट लुब्रिकेशन, ये ऑयल फिल्टर ऑयल होता है EP0 का, जो कि ये बैक रेस्ट में, सेड एंगल में और ऐसी जगह की जहाँ इंसान नहीं कर पाता है वहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपना पहुँच जाता ग्रीस। कितने घंटे में रहता है ये इसका ग्रीस चालू होता है ऑटोमेटिक? इसका ऑटोमेटिक हो गया 6। अच्छा, 6 घंटे का रहता है, 6 घंटे का रहता है। हाँ, अपन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, इतना टाइम कम ज़्यादा जैसे टाइमिंग देंगे उसी हिसाब से ये ज़्यादा फेंक। ये क्या इसका मोटर है? हाँ, इसका ये मोटर है, ये अच्छा ये मोटर लगा रहता है जिसके हिसाब से पंप की तरह जैसे हम करते हैं उसी तरह से पंप से चारों तरह पहुँचा। इसमें ग्रीस कहाँ से डालेंगे? ग्रीस डालने का इसका निप्पल ये होता है। अच्छा, हाँ, यहाँ से इसमें हम ग्रीस गन से अगर इसको खोल के डाल देते हैं, खोल के डाल देने से क्या होता है, इसमें एयर बन जाता है। जब एयर बन जाएगा तो ये जो पंप यहाँ चलता है तो ये फिर एयर बने होने के कारण से फिर वहाँ को ग्रीस जाती नहीं, इसकी पाइपलाइन जैसे ये छोटी छोटी होती है जिसमें पहुँचने के लिए, इजिंग में पहुँचने के लिए ये फिर समस्या बन जाती है। तो इसके दोस्तों ये जीरो ग्रीस का जहाँ अपन कर नहीं सकते मैनुअली तरीके से, वहाँ पे ऑटोमेटिक जाता है मशीन द्वारा। इसके पॉइंट शायद 12-14 ऐसे पॉइंट हैं ग्रीसिंग के टोटल। ये क्या है? अच्छा, ये अपना बैक रेस्ट हो गया, ये बैक रेस्ट हो गया। अच्छा, फर्स्ट रोल और सेकंड रोल। अच्छा अच्छा, ये चीज़ होता है, ये टेंशन को धागे को इस तरह से हिलाएगा, इसमें से ये इजिंग लगी हुई है। हाँ, ये इजिंग की वजह से जब ये कंपन करता है तो ये धागे को खोलता है। ये इजिंग है दोस्तों, ये इजिंग, ये इजिंग है, ये धागे को खोलता है। धागे खोलने के बाद में वही अंदर की तरफ चलता जाता है। अच्छा अच्छा, ये इसका काम क्या रहता है? इसमें पन्नी लगी हुई है, पन्नी लगी है ऊपर से, ये जो बीम है, बीम के ऊपर धागा जैसे चलता है तो कचरा ना पड़े, डस्ट। अच्छा, डस्ट को रोकने के लिए पन्नी को लगाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका इजिंग उजिंग बनाने का तरीका क्या रहता है? इजिंग बनाने का तरीका है इसका, यहाँ पे एक गेज लगाया जाता है, गेज होता है, गेज डालने के बाद में, हाँ, इसके बाद में इसका कंपन कम बेसी जैसा कुछ करना है, टेंशन देना है, तो यहाँ से दो बोल्ट खोलते हैं। ये बोल्ट खोलने के बाद में मशीन को डिग्री में खड़ी करेंगे। डिग्री में खड़ी करने के बाद में उससे 90 जैसे 210 है तो उसमें 90 माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद में फिर हम इसकी सेटिंग चालू करते हैं 90 माइनस करके। हाँ हाँ, ये क्या है? ये लीनो है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, लीनो है। यहाँ इसका ये क्या काम जो रहता है? धागा माने कपड़ा बनता है, कपड़ा के बगल की किनारी को
निकलने ना पाए इसको बराबर करके रखता है, जैसे इंटरलॉक करते हैं उसी तरह से ये भी लॉक करके रखता है। अच्छा अच्छा, हाँ, कि धागा इधर से उधर का ना हो। ये इसका काम क्या है, ये क्या लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लिनो बोबिन है। अच्छा, बोबिन है, उसके अंदर शाफ्ट होता है, प्लस ये सेंसर लगा हुआ है। यदि एक लिनो का हमारा धागा टूट गया, ये सेंसर है, यदि हमारा धागा टूट गया हाँ, तो ये जाकर टच करेगा इसमें, और जब ये टच करेगा ऑटोमेटिक सेंसर सेंस करने के बाद ही मशीन को बंद कर देता है। अच्छा, और अच्छा। कंप्यूटर में हमारा ELHS RHS दोनों साइड का बताने लगता है। जब तक हम कंप्यूटर से इसको फ्री नहीं करते तो ये इस तरह से घूमता नहीं है, ये देखिए एकदम जाम, हाँ, लॉक हो गया। और यदि वहाँ से हम क्लिक कर देंगे तो इसमें से ये फ्री हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो अभी दोस्तों लिनो के बारे में बताएं, इसमें ऑयल भी पड़ता है? इसमें ऑयल के लिए ये मोटर लगी हुई है, यहाँ से ऑयल डालेंगे। हाँ, ऑयल पड़ता है, और इसके अंदर वाले में इधर ग्रीस पड़ता है, ये यहाँ से ऑयल जाएगा, ये उसका लेवल है ना, और इधर ग्रीस भी डालते हैं इसके लिनो में, ग्रीस करते हैं। अच्छा, ग्रीस करते हैं। हाँ, ग्रीस का भी ग्रीसिंग का पॉइंट कहीं पे दिया होगा, ये सेंटर में, अंदर ये सेंटर में दिया होगा कहीं पे। हाँ, यही सेंटर पे है ना। अच्छा, इसमें ऑयल कितना पड़ता होगा? ऑयल करीब वही 10 से 20 ग्राम। अच्छा, ये लेफ्ट साइड का है वो? हाँ, राइट, लेफ्ट और राइट दोनों साइड दोनों है। कितने फ्रेम होते हैं इसमें अभी? इसमें से ये 16 फ्रेम है, 16 फ्रेम में से जितने फ्रेम की क्वालिटी चलानी होती है उसी हिसाब से इसमें सेट किया जाता है, और इसका पेंच प्लान बनाया जाता है। अच्छा, पेंच प्लान बनाने के बाद में जिस डिजाइनर का कपड़ा बनाना होगा उसी तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा अच्छा, उसी हिसाब से धागा डालेंगे, उसी हिसाब से ड्रॉपर हेल्ड वायर, और ये हेल्ड वायर बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, ये फ्रेम का हेल्ड वायर है। अच्छा, ये हेल्ड वायर, हेल्ड वायर से होकर के आगे रीड के पास में पहुँचता है। अच्छा अच्छा, अभी कितने फ्रेम का मशीन है? अभी ये अपना 14 ही है, 14 चल रहा है, 2 बंद है, 16 फ्रेम का है। 16 फ्रेम का है। और इसमें ये क्या है, इसका काम क्या रहता है? ये है कैच कार्ड, जो हमारा इधर से ये कैच कार्ड बोलते हैं, ये हमारा माने जो बेप्ट का धागा जाता है इधर और कटर इसको कटिंग करता है, इसको ये लपेटता है, लपेटने के बाद में उधर को चला जाता है। अच्छा, और जिसमें कि कटर कटिंग करता रहे। हाँ, इसमें भी सेंसर लगा है, यदि अच्छा, कोई अच्छा। भी इसकी एक ड्रॉपर पट्टी टूट के नीचे लटक जाती है जैसे ये, हाँ, तो वो सेंसर लगा है वो सीधे सेंस कर लेता है, ये रेड जलेगा, सेंस कर लेगा तो मशीन बंद कर देता है। ओके ओके ओके, ये चीज़ होता है। ये इसका पैनल बॉक्स हो गया।